हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया कोरोना वायरस की चुनौतियों की समीक्षा। हॉट स्पॉट स्थलों पर निगरानी सहित अन्य व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी ने कहा जनता के सहयोग से नहीं मिला गोरखपुर जिले में कोई कोरोना का मरीज। क्या अपील, कहा जनता से साथ जिससे जिले को घोषित किया जा सके कोरोना मुक्त जिला। कोविड 19 की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने सभी प्रकार की यात्री गाड़ियों का संचालन 3 मई तक किया निरस्त। निरस्त ट्रेनों के टिकटों का किया जाएगा फुल रिफंड, पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO ने दी जानकारी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर DM ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन, कहा कोरोना तो क्या कोई भी ताकत भारत को कमजोर करने की नहीं रखती ताकत, बरतें सावधानी, दूर भागेगा कोरोना, देश बढ़ेगा आगे। DM और SSP ने किया सजनमा तथा नौसढ़ चेक पोस्ट का निरीक्षण, कम्युनिटी किचन का भी लिया जायजा, गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को राजघाट थाना प्रभारी ने अवैध कच्ची शराब के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में लहन सामग्री सहित 2 बड़े कारोबारियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को सुबह सुबह सिटी मजिस्ट्रेट ने महवा मंडी का किया निरीक्षण, कहा शुरुआती दौर से बेहतर है मंडी की स्थिति, सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। एडीएम सिटी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई पशुपालक चारा व्यापारियों और पशु चिकित्सा अधिकारियों की बैठक, निर्धारित मूल से अधिक मूल पर चारा बेचने वालों पर कार्रवाई करने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 15 अप्रैल से सभी कार्ड धारकों को मिलेगा प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क चावल, जिला पूर्ति अधिकारी ने दी जानकारी। मेडिवर डिजिटल हॉस्पिटल से ऑनलाइन फोन या व्हाट्सएप नंबर द्वारा डॉक्टर से संपर्क करके ले सकते हैं घर बैठे चिकित्सीय परामर्श, जिलाधिकारी ने किया शुभारंभ। लॉकडाउन के दौरान महिला थाना प्रभारी के नेतृत्व में महिला थाना की टीम द्वारा निरंतर किया जा रहा मानवीय कार्य, गरीबों निराश्रितों को उपलब्ध करा रही भोजन, कोरोना से बचाव के प्रति कर रही जागरूक। 70 वार्डों में नगर निगम करा रहा सफाई का कार्य, जिससे लग सके कोरोना के संक्रमण पर लगाम। लॉकडाउन के दौरान गरीबों निराश्रितों के लिए CO कोतवाली और तिवारीपुर थाना प्रभारी के सहयोग से निरंतर चल रहा रोटी बैंक, CO कोतवाली ने कहा लॉकडाउन तक अनवरत रहेगा जारी। लॉकडाउन के दौरान बेलीपार पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों से अभिभूत समाजसेवी डॉक्टर BD पांडे ने थाना प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों को किया सम्मानित, गरीबों मजदूरों के लिए सौंपा राहत सामग्री। लॉकडाउन के दौरान गरीबों निराश्रितों असहायों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रहा गीता होलसेल मार्ट, जिला प्रशासन के द्वारा गरीबों में हो रहा वितरण। और 3 मई तक लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद मंगलवार को भी ग्रामीण क्षेत्रों और महानगर की सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा, ADM City ने कहा जनता का मिल रहा भरपूर सहयोग।